अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ हम सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, शुक्र अल्लाह का। मैं भी ठीक हूँ, बस थोड़ी सी मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे कोल्ड हो रखा है बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी पहले से फिर भी बहुत ज़्यादा ठीक हूँ। तो अप्पी ने हमें बुलाया है, कोमल अप्पी ने, आज हम फिर से अप्पी के घर जा रहे हैं, उनके बच्चे आए हुए हैं हमें लेने के लिए। बेचारे आधे घंटे से हमारा वेट कर रहे, तो मैंने जल्दी से बस शावर आवर लिया, क्योंकि जब आपकी तबीयत खराब होती है शावर ले लो तो काफ़ी अच्छा फील हो जाती है, मतलब बहुत अच्छी फील आती है, अच्छा लगता है। आपकी आधी बीमारी मुझे लगता है 2-3 बार नहाने से खत्म हो जाती है। तो अभी मैं ठीक हूँ, अलीना भी जा रही है साथ में, तो हम अप्पी के जा रहे हैं। पता नहीं वो हमारे लिए क्या स्पेशल बना रही है, कह रही है बस आ जाओ ये जाके पता चलेगा। तो अभी हम जा रहे हैं, जाके पता चलेगा वो क्या बना रही है। और गाइस देखिए मेरी डेकोरेशन जो आपने देख ही ली थी, बहुत प्यारी लग रही है मुझे, मैं बड़ी कोई ऑब्सेस्ड हो रही हूँ उस चीज़ से, लेकिन मेरी तबीयत ही उस दिन से ख़राब है, ना मैं रील्स बना पा रही हूँ ना कुछ बना पा रही हूँ, लेकिन व्लॉग्स तो आपकी वजह से मुझे बनाने ही पड़ता है, तो ये मैं बना रही हूँ। तो चले अप्पी के घर चलते हैं, वहीं मिलते हैं आपसे। यार आप तो हुक्का पीते, अभी आप गिर जाते ना। गाइस हमारी अप्पी का घर पास में ही है, फिर भी मैं रिक्शे में जाती हूँ, बिकॉज गाइस इनको भारी पड़ता है ना जाना। पैदल जाना है तो हाँ, इसलिए मैं मोटी हूँ। जब तो ये मोटी है, जब तो भारी पड़ता है। हाँ खोला आपने, तैयार होकर कहा जा रही है? मुबारक अप्पी के घर पर आ गए हैं, अब तो अप्पी के घर की पहचान आपको हो गई होगी। तो बस अब हम यहाँ पर आ गए हैं, अब खाएंगे हम मजेदार यमी यमी खाना। नहीं, उससे पहले अप्पी हमारे लिए बहुत स्पेशल सी वो बना रही है, जो मोट बनती है ना, मोट आपने बाहर खाई होगी, वो कुलिया भी मिलती है आलू की कुलिया, उसके साथ जो एक मोट बनती है अप्पी वो घर में बना रही है। वो कैसे बनाएंगी अभी मैं आपको दिखाऊंगी, वो जिस तरह बनाएंगी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि आप लोग बाद में मांगते हैं, तो मैं अभी से बता दूँगी आपको सारी चीज़ें। अलीना इधर। और हाँ एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप सब मुझसे बार बार पूछते रहते हैं अलीना आपकी कौन है कौन है, मैंने बहुत बार बताया भी अलीना मेरी कज़न है, उसके बाद भी कुछ लोग मुझसे पूछ रहे हैं तो वो कोमल आपी की कौन है। यार जाहिर है जब वो मेरी बहन है, मेरी कज़न है, और कोमल आपी मेरी रियल सिस्टर है, तो जाहिर है वो अलीना भी उनकी भी कज़न हुई। तो अलीना हमारी खाला की बेटी है, मतलब हमारी मैसेज में ब्लॉग में फिर भी लोग पूछ रहे हैं, आप पूछ रहे हैं हमारी खाला की बेटी, आप पूछ रहे हैं कोमल आपी की कौन है, तो मैंने बोला जब दोनों हम बहने तो हमारी कजन हुई, छोटी बहन है हमारी, हमारी कजन बेशक है लेकिन सगी बहनों की तरह है, बहुत प्यारी है हमें। और गाइस आपको कोमला जी के घर की पहचान कैसे है ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और अभी अपनी मोड बनाएंगी, वो कैसी लगी आपको वो भी जरूर बताइएगा कमेंट करके। अभी अपनी मोड उबाल रही हैं, सबसे पहले उन्होंने पहले भिगो दी थी इसको, अभी वो उबाल रही हैं, उसके बाद आगे की जो भी रेसिपी है मैं एक एक करके आपको बताऊंगी। ओके अलीना जी, आप तो चुड़ैल लग रही हैं आज। शुक्रिया, अरे अच्छी लग रही हो यार। चुड़िया की देखी मुंह लगता है इसका, इसका का खाला है ना, बड़ी बड़ी खाला है ना, बड़ी कौन जी लिया है ना, मैंने मेरा फोन ले लिया आपसे। ओ अलीना फोन दो मेरे भाई को, मेरे भाई को फोन बाजी, वाईफाई भी लगवा लो ना जब आपने स्मार्ट। गाइस अप्पी ने स्मार्ट एलईडी लिए, बहुत प्यारी लग रही है अपी ने, ये न्यू घर लिया है, अभी थोड़ा थोड़ा करके पूरी अपना घर को सेट कर रही हैं, अभी उनका ये फर्नीचर वगैरह बना है, अभी बहुत सारा काम होना रह गया है। अभी उबाल रही हैं आलू और साथ ही आप ही सारा सामान काट रही हैं जो उसमें ऐड होगा। ओह माय गॉड, मेरा व्लॉग देख रही हैं, ठंड लग रही है आपको बहुत ज्यादा, कोल्ड वगैरह हो रहा है, मेरी आवाज ही नहीं निकल रही थी तो मैं क्या ही बोलती, इसलिए मैं व्लॉग इजी। अभी अप्पी ने हमारे लिए चाय बनाई है और उसके साथ हमने इनसे बोला मट्ठी मंगा लो, मट्ठियाँ मंगाई हैं,
तो ये तैयारियां चल रही हैं अभी। ये लीना आलू उबाले हैं, उनको छील रही हैं, और मैं इन लोगों को बस वीडियो बना रही हूँ, मैं कोई काम वाम नहीं कर रही। मैं इसकी वीडियो डाल दूंगी, आलू कैसे छीलते हैं गाइस। हाँ आलू छीलने आते नहीं होंगे ना। अलीना को सदमा लग गया इस बात का है। मैंने कहा कह दो बेटी है वो कोमला जी की। और एक कह रही मेरी भी बेटी का नाम अलीना है, वो अलीना के जैसी है। तो गाइस ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो अप्पी ने मोड बनाने के लिए लिए हैं। ये टमाटर, हरी मिर्च, प्याज, नींबू, खटाई, लाल मिर्च, नमक और चाट मसाला। और इसकी हम कुलिया बनाएंगे और इसमें भी मिक्स होता है, वो तो अभी आपको दिखाएंगे कैसे बनेगा। अभी हम पीने वाले हैं चाय मटर के साथ। ओहो आप इसलिए नहीं, अब तो बताओगी बताओगी मेरी कसम नहीं मानूंगी। गाइस सुभान का चैनल ये है, प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे ब्रो का चैनल। तो ये मेरी बहन इसलिए अब चादर ओढ़ के बैठी हुई थी क्योंकि इन्होंने वही कपड़े पहन रखे हैं। ऐसी ये देखिए इस तरह बनती है मोट। दिखाओ, सारी चीजें ऐसी रख दी जाती हैं, सब अपने अपने हिसाब से उन्हें कितनी मिर्चें चाहिए, क्या चीज कैसे चाहिए वैसे डाल लिया। मैं आपको एक बना के दिखाती हूँ। ये हमने ली मोट, थोड़ा सा बना के दिखाती हूँ। उसमें ऐड करे थोड़े से टमाटर, थोड़ी सी प्याज, प्याज में थोड़ी सी और लूँगी क्योंकि मुझे प्याज बहुत ज़्यादा पसंद है, थोड़ी सी हरी मिर्च क्योंकि मुझे कोल्ड हो रहा है तीखा खाऊंगी, थोड़ी सी लाल मिर्च, नमक स्वाद अनुसार, नमक कम है ज़्यादा डालो, बंद कर। ये थोड़ा सा चाट मसाला और खटाई, नमक और डालो, नमक और डालो, नमक और डालेंगे, और नींबू अपने हिसाब से, नींबू तो भाई ज्यादा ही डालेंगे। पानी आ रहा है मुँह में, अद्दू तुम हुक्का क्यों पी रहे हो। तो गाइस ये आलू भी आप इसमें भी ऐड कर सकते हो, बहुत अच्छे लगते हैं, और अलग से कुलिया बना के भी खा सकते हो। कुलिया बनाना भी दिखाऊंगी, बता दो कैसे, मर्जी अनुसार मैं बना दूंगी। अभी पहले ये खा लो मोट। कुलिया के लिए ऐसा आलू नहीं होता गाइस, ये आलू गलत कटा है। नहीं नहीं सही है सुभान, इसकी भी बन जाएगी। वो गोल के होते हैं आलू, गोल होते हैं, लेकिन इसकी भी बन जाएगी, मैं बनाऊंगी। कैसे बनेगी इसकी, सब्र पहले बहुत मजे की लग रही है, जरूर ट्राई करिएगा घर में, और घर की चीजें बाहर से ज्यादा अच्छी रहती है। मैंने तो अपनी फिनिश कर ली, अभी मैं और बनाऊंगी अपने लिए, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुलिया बनाना सिखाती हूँ। उसके लिए हमने आलू वो लेने चाहिए, अप्पी को पता नहीं था मेरा कुलिया भी खाने का मन कर जाएगा, तो कोई बात नहीं हम इसमें ही बनाते हैं। इसको बीच में से थोड़ा सा आलू में हटा देती हूँ। नमक वमक डाल दो जो डालना है। अब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ी सी मोट, बहुत थोड़ी सी, हम जब बनाएंगे अपने चटपटा, थोड़ी सी प्याज, आलू ही आने ले लो नमक वाले, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा नमक, चाट मसाला, खटाई, टमाटर नहीं डाले ना भाई, टमाटर, ये भाई देखो टमाटर, प्याज डाली, प्याज व्याज सब डाल लिया। अब ऊपर से हम डालेंगे इसमें नींबू, नींबू तो डाली नहीं मैंने। तो ये हमारी कुलिया हो गई है तैयार। अब लग रहा है कुछ खा रही हूँ भाई। आलू दे लो, आलू दो, आलू मुझे भी दे दिया दो आलू। गाइस देख सकते हैं खत्म हो गई है बिल्कुल, हम लोगों ने सारी खत्म कर दी। गद्दड़ है ना तुम सब, तुम सब गद्दड़ हो। मजा आ गया। हद्दू आपका पजामा, हद्दू के पजामा, ये इनकी लड़ाई में फट गया। अभी ये नए नए कपड़े खराब करता है आप ही, तो मैं इसे कुछ नहीं कहती वैसे।
कुर्ते पजामे तो दोबारा पहनने लायक छोड़ता ही नहीं रहता। One hour later. अब हमारी चाय आ गई, चाय पियेंगे, पिज्जा किसी और दिन बनाएंगे। मेरी ये वाली है, हमें अफशी, हमें कुछ ना कुछ खाने को चाहिए। भाई चैलेंज नहीं हो रहा, आराम से कुछ मिलेगा नहीं है भाई। बाजी इतना कुछ ये काफी है तू भाई, दुख बाद में मिलेगा ना, खुला हुआ गेट। नंगे हो तुम तो? शेप शेप करो गाइस, इसकी शेप 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 शेप, फिर ये बाद में मिलेगा खुला हुआ गेट घर जाने के लिए। लाइबा का मूवी तो लाके देना है भाई, लाइबा जीती थी, मैं तो भूल ही गई। मुझे भी दो भाई 500 रुपए। बेचारी मेरी बहन ने मांगा भी नहीं, लाइबा ने जो बातें, लेकिन मैं अब लाके दूंगी लाइबा को। मुझे याद आ गया यार, लाइबा का गिफ्ट जल्दी लेकर आती हूँ। अप्पी को किस बात के 500 रुपए दू? छोटा गाइस बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारा भी चैलेंज रखो हमें भी कुछ खाने पीने को कुछ गिफ्ट मिलना चाहिए। कह रहे हम हफ्शी 1 मिनट में जीत जाएंगे। और 2 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं है। ये अपने मामू सुबान पे गए हफ्शी। जमानत ही धुला हुआ, खाने का वोट मिले ना मिले, हफ्शी पन का जरूर मिल जाएगा। लो लो गाइस, अपनी इज्जत ढकने जा रहे हैं। जाओ पहन लो, जाओ का पी चुकी चाय। यस, मेरे तो भी लोग के चक्कर में ठंडी हो गई। A few moments later. तो गाइज यहाँ पे लग गए हैं दस्तरखान और हम खाना खाने लगे हैं। मैंने बस ऐसे ही वीडियो बना ली थी क्योंकि जीजू बैठे हुए थे और बड़े जीजू हैं मुझे, पहली बात तो उनके सामने शर्म नहीं आती वीडियो बनाने में। अप्पी ने आलू की कतली वगैरह बनाई हुई थी और फिर हमारे लिए नहारी रोटी वगैरह बाजार से मंगा ली और बहुत मज़े की नहारी थी। हमारे यहाँ की नहारी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। हम लोगों ने अपना खाना इंजॉय किया, सब लोगों ने अच्छे से खाना वगैरह खाया। तो खाना खाने के बाद हम देखने लगे बिग बॉस, जो कि हमारा फेवरेट है, साथ में ही हमने पी चाय। बस अब आज का व्लॉग यहीं ख़त्म होता है, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा।